ब्रिटेन में जो नया कोरोना वेरिएंट आया उसके बाद सबकी चिंताएं बहुत बढ़ गईं, क्योंकि 22 जनवरी को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि 150 लोग हिंदुस्तान में उस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, ये पहले ही वैज्ञानिकों ने बता दिया था। बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये भी कहा कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट भी बड़ी है पहले के मुकाबले, पहले के जो स्ट्रेन थे उसके मुकाबले वो उन स्ट्रेन से जितनी मौतें हुई हैं, नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की ज़्यादा मौतें हो रही हैं। मतलब पाया ये गया कि अगर पहले 1000 में से 10 लोगों की मौत हो रही थी तो नए स्ट्रेन से संक्रमित 1000 लोगों में 13 लोग मारे जा रहे थे, मतलब मॉर्टेलिटी भी बढ़ी थी। क्योंकि पहले ये स्टेटमेंट आया था कि नया वायरस जो है ये कंटेजियस तो बहुत है, संक्रामक बहुत है, लेकिन इसका विरुलेंस कितना है, ये कितना ज़्यादा बीमार करता है और इससे कितने लोग मारे जा सकते हैं, इस बारे में बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो जब ये स्थिति स्पष्ट हुई कि इससे मारे भी ज़्यादा लोग जा रहे हैं तुलनात्मक रूप से, तो चिंताएं और बढ़ गईं। लेकिन एक बात अगर चिंता की थी तो दूसरी तरफ एक बड़ी राहत भरी खबर आई है और वो आई है कोवैक्सीन की तरफ से। कोवैक्सीन आप जानते हैं हिंदुस्तान में ही ICMR ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने साथ में मिलकर बनाया है, ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हिंदुस्तान का जो है, इन्होंने मिलकर भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन को बनाया है। कोवैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रभावकारी है ये पता करने के लिए खास तरीके का टेस्ट किया गया। इसको कहते हैं प्लैक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, PRNT 50 भी इसको कहते हैं। 50 का मतलब यहाँ 50% से है। ये क्या होता है, बहुत आम तरीके से अगर इसको समझा जाए या समझाया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को कोवैक्सीन दी गई है, उसमें एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, उसके बाद उसके ब्लड सैंपल को लेके उससे सीरम अलग किया जाए। सीरम वो हिस्सा होता है, अमूमन आपने देखा होगा आपको जब चोट लगती है कुछ देर बाद खून वहाँ जमने लगता है और एक पीला सा द्रव अलग होता है, वो जो येलोइश पार्ट होता है जो प्रोटीन रिच होता है उसी को सीरम कहते हैं। इस सीरम को अलग किया जाता है, इसी में एंटीबॉडी होती है, उसको फिर नए स्ट्रेन के साथ मिलाया गया, एक खास प्रपोर्शन में मिलाया गया टाइट्रेशन के साथ। और उसको क्या किया गया, जब ये मिलाया गया कुछ देर के लिए उसको इंक्यूबेशन में छोड़ा गया ताकि दोनों के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन होना है, न्यूट्रलाइज किया जाना है एंटीबॉडी की तरफ से वायरस को, वो हो जाए। और कितना ऐसे वायरस बच जाते हैं जो उसके बाद भी बचे रहते हैं, अब वो घोल आपके पास तैयार है, वो हिस्सा तैयार है, उसके बाद आपने होस्ट सेल ली, मतलब ऐसी सेल जिसको इन्फेक्ट कर सकता है वायरस, उसमें वो डाला गया। इसी तरीके से एक नॉन एंटीबॉडी सीरम भी लिया गया, उसमें सिर्फ वायरस रहा, उसको डाला गया दूसरी होस्ट सेल में। अब ये देखा गया कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन या कितनी सांद्रता चाहिए होती है सीरम में एंटीबॉडी की, कि जो जगह जहाँ पे वायरस ने उस कोशिका पर हमला किया और जहाँ पर वो धब्बे बन गए जिनको प्लैक कहा जाता है, उस प्लैक को 50% तक रिड्यूस करने के लिए एंटीबॉडी की कितनी मात्रा चाहिए पड़ी सीरम में। अगर उस वहाँ पर प्लैक बन रहे हैं, मतलब इसका ये है कि पूरी जगह पर होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाया है वायरस, धब्बों में इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ जगहों पर जो कोशिका है वो स्वस्थ है, कुछ जगहों पर जिसने जहाँ पर हमला किया है वहाँ कोशिकाएँ बीमार दिखाई देंगी, जहाँ बीमार दिखाई देंगी वहाँ धब्बा बनेगा, वो प्लैक कहलाता है। प्लैक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन, उसको रिड्यूस करने के लिए, उतने वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 50% तक कितनी एंटीबॉडी चाहिए होती है देखा जाता है, इसको कहते हैं PNRT 50। ये असल में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है डेंगू के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब इसी को नए स्ट्रेन के खिलाफ देखा गया कोरोना वायरस के, तो बहुत प्रभावी पाया गया, देखा गया कि कोवैक्सीन जो है नए वेरिएंट में भी प्रभावी है, मतलब उस वायरस को भी मार रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है। इस तरीके से पाया गया कि जो हमारी कोवैक्सीन है हिंदुस्तान ने जो इंडिजिनसली बनाई है, वो ब्रिटेन के नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावकारी है। ये निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान को बड़ी हिम्मत देने वाली, सुकून देने वाली खबर है। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं हैं, चिंताएं ये हैं कि अकेला वेरिएंट नहीं है, इस तरह के न जाने कितने वेरिएंट हैं, जैसे साउथ अफ्रीका का वेरिएंट, उसको लेकर चिंताएं हैं, और चिंताएं उन वेरिएंट्स के खिलाफ भी हैं जिनको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। न जाने कहाँ म्यूटेशन के बाद उस तरह के नए वेरिएंट घूम रहे होंगे और हो सकता है वो ज़्यादा संक्रामक हों, कंटेजियस हों, या उनकी विरुलेंस ज़्यादा हो। तो ये चिंताएँ हैं, लेकिन एक तरफ राहत भी मिली। तो वही गीता का ज्ञान, सम रहिए, न बहुत ज़्यादा खुश न बहुत ज़्यादा अवसाद में, चीज़ें ठीक होंगी। बातें विशेष आप देख रहे थे दिनेश के साथ, फिलहाल आज्ञा दीजिए, नमस्कार।